ये हमारी गाड़ी है, ये जो गाड़ी है वो 3525 है, मतलब 250 HP का कमिंस का इंजन इसके अंदर लगा है, टाटा के घर से आती है। हमारे हाथ में जो चीज़ है वो गैराज प्रो का स्कैनर है, ये हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को स्कैन कर सकता है। जनरली हम लोग लैपटॉप लगाते हैं तो बड़ा सेटअप आता है, कमिंस का हो जाए या कोई और गाड़ी हो, भारत में जो जाए आइसर हो जाए, लेलैंड हो जाए, कोई भी गाड़ी हो उसमें हमें स्कैन करानी पड़ता है। BS6 Phase 2 में ये चीज़ और कंपलसरी हो गई है। तो आज हम इसमें लगा के इसको चेक करने वाले हैं, पर्टिकुलरली इस को लगाएंगे, चेक करेंगे कि आइए इसके फॉल्ट को रीड कर पाती है, क्या इसकी डिटेल्स आ पाती हैं, और उसके बाद हम फिर कि भारत में इसकी गाड़ी में भी चलेंगे, क्योंकि गाड़ी हम ऑब्वियसली खरीदने वाले हैं, तो उस गाड़ी के बाद शोरूम में चलेंगे, फिर उसमें हम स्कैनर लगा के चेक कर लेंगे कि क्या वैल्यूज आ रही है। तो ये इसके बारे में मैं चलो अंदर बैठ के केबिन में आपको सारी बातें बता देता हूँ, और फिर इसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर फाइनली आप डिसाइड करके बताना मुझे कि क्या आपको ये अच्छा लगा है, और कमेंट में बताओ कि क्या आपकी गाड़ी भी इसमें स्कैन हो पा रही है। भैया तो ये है हमारा छोटू सा स्कैनर, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लिखा भी हुआ है RPM, यहाँ पे आपको सारी इंडिकेशन दिख जाएंगे, ये पर्टिकुलरली बैटरी कनेक्शन का, इसमें पावर आ गई है क्या, फिर यहाँ पे कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का, ये तीनों अलग अलग कलर में चलती है। ये हमारा है, अब जनरली जो हमारी हैवी कमर्शियल व्हीकल्स होती हैं, बाकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, उनमें 24 वोल्ट का करंट आता है, तो ये हमारा 12 वोल्ट पे काम करता था, 24 से 12 वोल्ट कनेक्शन को कन्वर्ट करने का सिस्टम है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 24 वोल्ट दिख जाएगा, और उसके थोड़े नीचे देखोगे तो आपको 12 वोल्ट दिखेगा, तो बस 24 से आपको 12 वोल्ट पे कनेक्ट करना है, 12 वोल्ट की तरफ स्कैनर को लगाना है, और 24 वोल्ट की तरफ हम यहाँ पे हमारे OBD पोर्ट के अंदर इसको लगा देंगे, उसके बाद ये कनेक्शन के लिए रेडी हो जाएगा, आपको इंडिकेटर आ जाएगा, मोबाइल में आप ब्लूटूथ से कनेक्ट करो, आपको दिखेगा वहाँ पे RPM, आप जैसे RPM सेलेक्ट करोगे कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद ऐप में आओ और इंजन चालू करके स्कैन शुरू करो, तो ऐसे स्कैन शुरू करोगे आपको सारे फॉल्ट कोड मिल जाएंगे। तो चलो स्कैन शुरू करते हैं। दोस्तों हमारी ये गाड़ी है 3525 BS6 टिपर है, बेसिकली आपको गाड़ी का 360 व्यू तो दिख ही रहा है, और यहाँ पे हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है OBD पोर्ट को। अब देखो यहाँ पे ना पूरा का पूरा हमारा ऐप दिख रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाइव डेटा क्या क्या आ रहा है पहले वो देख लेते हैं। अब लाइव डेटा हमारा देखो, अब यहाँ पे क्या क्या आ रहा है, क्योंकि अभी गाड़ी आइडियल है, और इसमें जो आपका रहा है ना, तो स्पीड अभी कुछ चल नहीं रही, तो स्पीड 0 दिखा रहा है। अब यहाँ पे RPM देखोगे तो RPM भी ना देखो RPM दिखा रहा है, पर RPM क्यों कम दिखा रहा है, क्योंकि 2000 वाला RPM है, इसलिए RPM भी कम दिखा रहा है। अगर आप RPM थोड़ा सा बढ़ाओगे तो आपको यहाँ पे RPM बढ़ते भी दिख जाएगा। बैटरी वोल्टेज क्योंकि हमने इसमें कन्वर्टर लगा रखा है, 24 वोल्ट से 12 वोल्ट कन्वर्टर लगा रखा है, इसलिए बैटरी वोल्टेज कम दिखा रहा है। अब देखो थोड़ा सा हम रेस बढ़ाएंगे तो यहाँ पे देखो आपको अपने आप वोल्टेज बढ़ते दिख जाएगा, ये देखो आप यहाँ पे से बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ते हुए दिख जाएगा। इस तरह से सारे से इंजन वगैरह, अभी क्योंकि गाड़ी न्यूट्रल है ऑब्वियसली, इंजन लोड नहीं है कुछ भी, तो थ्रॉटल का पोजीशन हो गया, कोई भी चीज़ हो गई, एयर इनटेक भी देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि कितना एयर इनटेक हो रहा है। अब क्योंकि ये सारे के सारे मैट्रिक्स को आपको सेट करना पड़ता है, अब यहाँ पे आप देखोगे कि आपको ये बेसिक दिखा रहा है, अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें और भी आपको जैसे देखना है, तो वैल्यूज़ अगर आपको देखनी है तो यहाँ से ब्रेड वैल्यूज़ देख सकते हो, ग्राफ्स अगर आपको कोई देखने हैं तो आप यहाँ से ग्राफ्स देख सकते हो, तो यहाँ पे अगर आप डायल्स में देखना है तो आप डायल्स में देख सकते हो, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे जैसे देखना है तो आप यहाँ पे मॉडल चूज़ कर सकते हो कि कौन सी गाड़ी है क्या है, वो सारे आपको लाइव स्कोर यहाँ पे दिख जाएंगे, और यहाँ पे आपका सारा का सारा स्कैन फिनिश हो जाएगा। तो ये तो हमारा लाइव हो गया। अब मान लो कि आपकी गाड़ी में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो अगर आप जैसे जनरली कमर्शियल व्हीकल्स में, हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में आते हो, तो आप यहाँ पे रीड कोड्स कर सकते हो। अब रीड कोड्स में क्या होता है ना कि आपको देखना पड़ेगा कि देखो अभी यह दिखा रहा है कि इंजन तो ऑन है, अब इंजन हमारा ऑन है, इसके बाद में हमारा दिख देता है कि यहाँ पे कौन सा गाड़ी है, तो हमारा टाटा का गाड़ी है, तो हमने यहाँ पे डाल दिया कि हमारा टाटा का गाड़ी है, और टाटा का भी हमारा SCV है, हैवी कमर्शियल व्हीकल है। लाइसेंस प्लेट नंबर डाल देते हैं हम 9724, और ऐसे इसको प्रोसीड करेंगे तो हमारा यहाँ पे सेव हो गया। अब हमें पर्टिकुलरली इस गाड़ी का ये रिपोर्ट दिखाएगा, अब यहाँ पे जाओगे तो आपको दिखाएगा कि यार कौन से मॉड्यूल को, तो और हमने सारे मॉड्यूल को स्कैन करना है। जैसे आप स्कैन पे शुरू करोगे तो यहाँ पे ये स्कैन का परसेंटेज आ जाएगा कि कितने परसेंट जो स्कैन हो रहा है, मैं आपको साइड में स्क्रीन पे सारी चीज़ लगा के दिखा रहा हूँ। तो जनरली क्या होता है, हम कमिंस का हो गया हमारा स्कैनर, इस गाड़ी में पर्टिकुलरली कमिंस का स्कैनर यूज़ होता है, जिसकी कीमत 80,000-1,00,000 रुपये होती है, या फिर और भी बड़े बड़े स्कैनर्स आते हैं तो बहुत कॉस्टली पड़ता है, और अगर स्कैन कराओगे तो 1200 रुपये लगते हैं, 1100 रुपये लगते हैं, और जबरन में सर्विस सेंटर जाना पड़ता है, और गाड़ी बिना फॉल्ट के फिर आपकी गाड़ी खड़ी हो जाती है, तो आपको कम से कम ड्राइवर को इतना पता लग जाएगी यार गाड़ी में दिक्कत क्या है। अगर फॉल्ट पता चल जाएगा तो वो बता सकता है कि यार ये फॉल्ट हमारी गाड़ी के अंदर आ रहा है, तो शायद थोड़ी सी आपकी मदद मिल जाए, आपको सर्विस सेंटर तक ना जाना पड़े या वो चीज़ें हो जाए, तो काइंड ऑफ वो सारी चीज़ है। तो यहाँ से ये चीज़ें कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखो आप स्कैन दिखा रहा है, और धीरे धीरे करके सारे मॉड्यूल्स को स्कैन कर लेगा, और फिर स्कैन करके आपको रिजल्ट बता देगा। अब क्योंकि हमारी गाड़ी तो ठीक ही है भाई, इसमें कोई फॉल्ट्स तो है नहीं, तो ये पर्टिकुलर दिखा देगा। अब इसके अंदर भारत में इसकी गाड़ी का भी आपको क्विक स्कैन दिखा देता हूँ, तो वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी देखो, और ये ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लेता हो या बहुत ज़्यादा आइडियल टाइम आपकी गाड़ी का रहेगा, बहुत ही कम टाइम में जो है आपका काम हो जाता है। अब देखो 75% जो है ओवरऑल आप देखो तो यहाँ पे आपकी गाड़ी है। मतलब मेन फ़ायदा इसका क्या है, मेन फ़ायदा ये कि आपके ड्राइवर के हाथ में हैंडी है, ईजी टू यूज़ है, और बस आपने कनेक्ट करना है उसको और कर दो। इनफैक्ट BS6 Phase 2 वाली जो गाड़ियाँ आ रही है उनमें तो और भी इतना अच्छा है, मतलब उनमें जो पोर्ट आ रहा है वो तो आपका बिल्कुल बाजू में आ रहा है, तो वो चीज़ आ रही है। अभी 92% हमारी गाड़ी स्कैन हो गई है, और यहाँ पे आप देखो इंजन के अगर कोई फॉल्ट आ जाएगा या गाड़ी में कोई और फॉल्ट हो गया, मतलब ABS ब्रेक का फॉल्ट है,
एयर ब्रेक्स का फॉल्ट है, स्टेयरिंग कैलिब्रेशन ठीक नहीं है, गाड़ी का कंप्रेशर एयर नहीं बना रहा है, कोई भी अगर आपकी दिक्कत आएगी इसमें, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में कोई दिक्कत है, मान लो कोई भी चीज़ अगर काम नहीं कर रही, इंक्लूडिंग एसी अगर आपकी गाड़ी में लगा है, एचएवीसी सिस्टम लगा है, तो वो आपको यहाँ दिखा देगा। अब क्योंकि फिनिश हो गया स्कैन, तो सबसे अच्छी बात यह कि आप इसकी रिपोर्ट को पीडीएफ फॉर्मेट में और अदर फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पे या आप व्हाट्सएप के थ्रू अपने ओनर को भेज सकते हो, मैनेजर को भेज सकते हो, फ्लीट मैनेजर को भेज सकते हो। देखो यहाँ पे दिखा दिया, अब इंजन में यहाँ पे देखो इसने फॉल्ट दिखाया, तो इसलिए ये देखो फॉल्ट दिखा दिया कि कैम शाफ्ट इज टू स्लो। अब देखो कैम शाफ्ट का फॉल्ट यहाँ पे दिखा दिया, देखो फॉल्ट कोड P000C, अब देखो P02BF फॉल्ट आ रहा है यहाँ पे, तो ये सारे फॉल्ट आ रहे हैं कि भाई ये सारी चीज़ चेक करा लो, कोई क्रिटिकल फॉल्ट होगा तो आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो ये काफ़ी टाइम से कोई पेल्टिंग फॉल्ट है, तो वो भी यहाँ पे दिखा देता है कि देखो ये चीज़ रिक्वायर्ड है, ये चीज़ रिक्वायर्ड है, तो सारे के सारे फॉल्ट कोड आ जाते हैं। अब इन फॉल्ट कोड को आप रीड करके सर्विस सेंटर भेज सकते हो और गाड़ी को जो कर सकते हो, कुछ कोड ऐसे होते हैं जिनको रीराइड कर सकते हो, मतलब आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आप फिर तो वो सॉल्व होने के बाद में आप उसको रीराइड कर दो या से इरेज कर दो। कुछ फॉल्ट कोड ऐसे हैं जो कि TML ही कर पाएगा, टाटा मोटर्स लिमिटेड ही कर पाएंगे, तो आपको फिर उसमें टाटा मोटर्स के सर्विस सेंटर जाना जरूरी होता है। बट काफ़ी सारी चीज़ें आप यहाँ से स्कैन कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे कि इंजन की क्रैंक केस में थोड़ी कोई दिक्कत है, तो उसके बारे में ये बता रहा है कि डेटा मतलब नॉर्मल डेटा नहीं आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे दिखा देता रहता है कि अगर कोई मतलब सर्किट हिस्ट्री भी है अगर आपकी फॉल्ट्स की, मतलब पहले कोई हिस्ट्री है, तो वो सारी चीज़ें दिखा देगा और आपको ना ऐसे डिटेल्स भी दिख जाती है यहाँ पे कि डिटेल्स वगैरह क्या है, तो इस तरह से मिलेगा। आप यहाँ पे या तो क्लियर कर सकते हो फॉल्ट्स को या फिर एग्जिट कर सकते हो स्कैन को, और फिर जो स्कैन आपने करी उसकी आप रिपोर्ट कहीं भी ले सकते हो, तो वो सारी चीज़ें। इसके अलावा यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री को रीसेट कर सकते हो आप, स्पेशल फंक्शंस भी अगर आपने और प्रीमियम ले रखा है, हमारे पास वो अभी मॉड्यूल नहीं है, आपको कोई फ्रेम को फ्रीज करना है, अगर O2 सेंसर मॉनिटरिंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल फीचर है मतलब ड्राइवरों को, तो जनरली ये हर एक कमर्शियल व्हीकल के पास होना चाहिए, ड्राइवर के पास होना चाहिए, ताकि अगर उसको लग रहा है कि यार गाड़ी में कोई दिक्कत आ रही है, गाड़ी कहीं भी खड़ी हो गई, तो सबसे पहले अपना मॉड्यूल लगाओ, मोबाइल अपने सबके पास में आजकल है, मोबाइल से आप कनेक्ट करो, देख लो कि भाई ये वाला एरर आ रहा है, जैसे ही आपको पता चले ये वाला एरर आ रहा है, आप कनेक्शन क्लियर कराने के लिए आप उसको क्लियर कर दो और तुरंत कॉल करके बता दो टाटा के टोल फ्री नंबर 1800279779 पे कि ये वाली दिक्कत आ रही है, और वहाँ से आपकी सारी चीज़ें हो जाती है और फिर आप सारे मॉड्यूल कर सकते हो। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलरली यही वाली गाड़ी जो है वो उसको कर सकते हो, कोई भी अभी कमर्शियल व्हीकल हो, बस हो, ट्रक हो, कोई भी गाड़ी हो, उसमें आप इसको कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें और बाकी इसके डेमोस वगैरह मैं आपको दे दूंगा, बाइंग लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, सारी चीज़ दे रखी है। तो ये गैराज प्रो की तरफ से कार PM जो आपका आता है OBD Scanner 2, ये आप ले सकते हो, डेफिनेटली अच्छी चीज़ है ये, मतलब एकदम हेल्पफुल है, काफ़ी ज़्यादा करेगा। अभी तो कोई डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है इस पर, जितनी भी गाड़ी आ रही है उनको आप कनेक्ट करके रखो और आपकी सारी चीज़ें हो जाएगी। तो ये कुछ था इस कार PM के स्कैनर के बारे में, उम्मीद करो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री है आपके लिए सारी चीज़ें करना। बाकी हम तो मिलेंगे आपको अगली बार कोई ऐसा इंटरेस्टिंग सा गैजेट दिखा के।